हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी रणनीति बताने वाली हूँ जिसमें आप यूपी टीजीटी पीजीटी में बिना कोचिंग की मदद से बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतर आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपको हम कुछ ऐसा गाइडेंस दे सके जिससे आप बिना कोचिंग की मदद से इतना बेहतर स्कोर कर पाएँ कि आप अपनी मनचाही नौकरी को ले पाएँ। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को आधार बनाकर आपको पहुँचाई जा रही है। तो अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि 60 से 70% तक का जो क्वेश्चन है वो हमारी सीरीज जो हम अपलोड कर चुके हैं और जो आने वाली सीरीज हैं उनसे आपको 60 से 70% तक के क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आप हमें आके ज़रूर धन्यवाद कहेंगे कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज हम लोगों को करवाई। तो आप अगर उसको देखना चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है कि बिना कोचिंग के बेस्ट स्कोर करने की रणनीति। तो ये टॉपिक जो है ये आपने हो सकता है बहुत लोगों से सुना हो, बट फिर भी आज जो मैं रणनीति बताऊंगी उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक सबसे पहला पॉइंट है वो अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस का यहाँ पर क्या मतलब है कि जब भी आप कोई जॉब लेने के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी कोई आप जॉब लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसके बारे में आप अवेयर होने चाहिए। जैसे फॉर्म से लेकर उसके फॉर्म फिल करने तक उसमें क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ें आयोग के द्वारा बोली गई, उसके अलावा आपको सारा प्रोसेस पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी, उसके अलावा क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितना कट ऑफ जाता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और वो आपको हमारे चैनल में ज़रूर मिल जाएगी। हमने चैनल में सारे विश्लेषण करे हैं कट ऑफ से रिलेटेड और एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स हमें चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सारी बातें आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिसमें हमने यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड अपडेट का एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी, भले आप वो हमारे चैनल से देखें या किसी और के चैनल से देखें, आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड अवेयरनेस होना सबसे पहली तो बड़ी बात ये है। उसके बाद आ जाता है हमारा टारगेट। फिर जब भी हम अवेयर हो जाते हैं तो उसके बाद जब हमने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, अब उसके बाद हमें अपना टारगेट सेट करना है कि हमें इतने से इतने घंटे पढ़ना है या इतने से इतने समय पढ़ना है, हमें इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड करना है। तो टारगेट आपको सेट करना है, जैसे आपने 2 महीने का टारगेट लिया कि 2 महीने में मुझे या 3 महीने में या 4 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट करना है, और उसके हिसाब से ही मैंने ये टारगेट सेट कर लिया। जैसे मान लो 2021 में मुझे जॉब लेनी है और उसके लिए मुझे ये काम करने हैं, तो टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आखिरी तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें छुपी हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको यहाँ से पक्का 100% फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो उसके बाद टारगेट सेट करने के बाद भाई टारगेट को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरत है अपने सिलेबस की। आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करना है, और ये मैंने पहले भी बताया कि सिलेबस को आप एक साथ कवर करने की कोशिश मत करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एक ही दिन में बहुत सारा खाना खा लें तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, उसी तरीके से सिलेबस के साथ भी और पढ़ाई के साथ भी वही है कि एक दिन में आप बहुत सारी पढ़ाई कर लेंगे उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको अपने सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है तभी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, और उसको अप्लाई भी करना है। ये नहीं कि टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करके भूल गए सिलेबस, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फिर जब आपने सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया तो आपने अपनी एक टाइम टेबल क्रिएट करनी है जो आपके हिसाब से सही हो। मैं नहीं बोलूँगी कि आप 6 से 7 बजे पढ़िए, सुबह 5 बजे उठ के पढ़िए, आप रात के 12 बजे तक पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। वो टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से सेट करना है, क्योंकि वो टाइम टेबल ही ऐसा टाइम टेबल होता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जब उसे सेट करते हो तो आप उसको अप्लाई भी कर पाते हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि बस टाइम टेबल एक शोभा बढ़ाने के लिए हमारी दीवार पर चिपक जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अब जब आपने सारा काम कर लिया तो उसके बाद आपको बुक्स रीड करना शुरू करना है। मैंने बोला ना कि आप एकदम से तैयारी नहीं कर सकते, आपको एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास, ये नहीं कि आप जाते जाते आपने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया, पहले आप बुक को रीड करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने बुक रीड करी, हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से किताब हमें पढ़नी चाहिए, और इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिससे आपको हम बताएंगे कि आपको किताबें किस तरीके से पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपको अपना नोट्स भी बनाना चाहिए, जो अब ये नहीं कि पूरी बुक उतार के लिख दी नोट्स में। अब आपने जैसे मान लीजिए एक ही बुक पढ़ी या 2 बुक पढ़ी, उससे जो की पॉइंट है वो आप उसके थ्रू अपने नोट्स बनाना शुरू करिए, जिससे आप आखिरी में आपको फिर से वो बुक याद ना करनी पड़े, फिर से वो बुक ना पढ़नी पड़े। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टडी रेगुलरली। ऐसा नहीं कि आज तो मैंने 10 घंटे पढ़ लिया और कल मैं पढ़ूंगी ही नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर स्टडी करना है, आपने जो टाइम के हिसाब से बांटा है उस हिसाब से आपको रेगुलरली स्टडी को करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इतना सारा काम जब आपने कर लिया तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। जब थोड़ा टाइम आपने ये कर लिया, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उस रिलेटेड देखना है कि भाई कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसते, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो आप बुक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो पेपर आ रहा है तो उसमें किन किन चीज़ों को आपको उठा के और ज़्यादा फोकस करना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना काम करने के बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊँगी, वो है कि आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए। क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या करा कि पेपर सॉल्व कर लिया, प्रीवियस ईयर के अपने आप पढ़ लिया, बस हो गया। नहीं, मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि हर साल आयोग 30 से 25 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे रखता है जो हर बंदा सॉल्व नहीं कर सकता, हर बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता। वो वही सॉल्व कर पाएगा जो खुद से मॉडल पेपर सॉल्व किया होगा, क्योंकि मॉडल पेपर में एक तरीके का मॉडल आपके सामने प्रेजेंट करा जाता है कि किस किस इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, यूज़ योर फ़ोन स्मार्टली। बहुत ज़्यादा आज हमारे पास फ़ोन एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे टीचरों से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी ई बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये फ़ोन हमारा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो फ़ोन को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में डांस के वीडियो देखने की जगह अगर आप स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे कि अच्छे से अच्छे टीचर से आप गाइडेंस लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स ले पाएँ, तो उस तरीके से अगर आप अपने आप को फ़ोन के यूज़ करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये सारे काम कर लिए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाना है। और मुझे पता है कि इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई, बट मुझे ये भी पता है कि मैंने जो तरीके से आपको बताया उस तरीके से आपको बेहतर समझ में आया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे से जो जुड़े हैं वो पक्का ये काम करेंगे और इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।